hello students how are you all i'm your science teacher this topic of noise pollution your chapter names is our environment this is your lecture number four tk okay? of class four tk okay? here this topic is noise pollution now it is cased by excretion नॉइज केसेज बाई करैकर्स ट्रैफिक लाउड स्पीकर फंक्शंस कॉन्क्रीट एक्सेट्रा टू मच एक्सपोशर टू नॉइज कैन अफेक्ट अवर हियरिंग एबिलिटी विच कैन केसेज हेड एक एंड इरीटेशंसटूडेंट्स ध्यान दीजिए जरा नॉइज पॉल्यूशन के लेक्चर पर इस पर इसमें क्या है कि जैसे कि नॉइस पॉल्यूशन किन किन चीज़ों से क्रिएट होता है तो क्रैकर्स हैवी ट्रैफिक्स लाउड स्पीकरस ठीक है ये सब फीचर्स होते हैं नॉइस पॉल्यूशन को क्रिएट करने वाले अब हम नेक्स्ट फीचर्स अपने पढ़ेंगे यहाँ पर कि हाउ टू कंट्रोलिंग नॉइस पॉल्यूशन ठीक है कंट्रोलिंग नॉइस पॉल्यूशन अब यहाँ हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स लेस यूज ऑफ लाउड स्पीकर नियर स्कूल्स हॉस्पिटल एंड रेजिडेंशल एरियाज स्कूल के पास हॉस्पिटल्स और रेजिडेंशल रेजिडेंशनल एरियाज क्या होते हैं रेजिडेंशल मतलब जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं या फिर हॉस्टल टाइप ठीक है कॉलोनीज टाइप ठीक है सोसाइटीज़ टाइप ऐसे प्लेस पर हमें लाउड स्पीकर का कम से कम यूज़ या करना ही नहीं चाहिए यूज़ ठीक है और जो म्यूज़िक सिस्टम वग़ैरह है ठीक है इसको ज़्यादा हाई वॉल्यूम पर नहीं चलाना चाहिए ज़्यादा तेज़ आवाज़ पर इसको नहीं चलाना चाहिए एयरपोर्ट शुड बी अवे फ्रॉम सिटीज़ ठीक है नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर सेव द इन्वायरमेंट हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से बचा सकते हैं कैसे सेव कर सकते हैं तो देयर आर थ्री आर्स सेव ऑफ आवर इन्वायरमेंट्स थ्री आर्स हेयर री यूज़ रिड्यूज एंड रीसाइकिल ओके स्टूडेंट्स विच इज़ योर थ्री आर्स री यूज़ रिड्यूज एंड रीसाइकिल री यूज़ का मतलब होता है कोई भी थिंग्स है जिसका आप एक बार यूज़ कर रहे हो फिर उसको आप दोबारा से भी यूज़ करो एक बार यूज़ करके आप उसको अगर वेस्टेज के फॉर्म में कहीं थ्रो आउट कर देते हो तो इससे क्या होता है वो एक तरीके का गारवेज बन जाता है और गारवेज जो है वो क्या पॉल्यूशन को क्रिएट करने का एक फॉर्म है बट अगर ऐसे थिंग्स हैं जिनको हम ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं और उनका हम दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं तो हम उन, हमें उनको री करना चाहिए ठीक है और उसके बाद में कुछ थिंग्स ऐसे होते हैं ऑब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम जैसे सपोज करिए आपका एक कप है ठीक है और उस कप किस कप का ये जो हैंडल होता है ये ब्रेक हो गया है तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं किसमें इसको पैन बॉक्स बना सकते हैं क्यों नहीं बना सकते बना सकते हैं अगर हमने इसको ऐसे ही फेंक दिया तो कप तो हमारा कौन सा गारवेज हो गया ये एक तरीके से हमारा नॉन डिग्रेबल गार्बेज हो गया और इस कप को तो छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो तो इसको ऑर्गेनिज्मिकोज कर नहीं सकते हैं तो ऐसे थिंग्स का हमें रिड्यूस करना चाहिए ओके okay, स्टूडेंट्स अब हम यहाँ अपना पढ़ते हैं टॉपिक्स ठीक है <coughs> यहाँ ध्यान दीजिए वी कैन डू अवर वेट टू सेव द इन्वायरमेंट बाई फॉलोइंग द्री आर्स ठीक है जो थ्री आर्स मैंने आपको बताए हैं दे आर रीयूज रिड्यूज एंड रीसाइकिल फर्स्ट हम पढ़ेंगे रीयूज़ का मीनिंग क्या होता है ठीक है मीन्स टू फाइंड न्यू वे हमें इसका नया तरीका ढूंढना चाहिए किस तरीके से इसको हम नए तरीके से यूज़ कर सकते हैं टू यूज़ थिंग्स बिफोर थ्रोइंग फेंकने से पहले हमें इसे फेंकने से पहले और इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल गिव योर ओल्ड क्लॉथ्स आपके जो ओल्ड क्लॉथ्स हैं ठीक है तो वो आप ओल्ड फेंकने के किसी को दे सकते हैं ठीक है किसी पुअर पीपल्स को ठीक है बच्चों को या बुक्स वगैरह फेंकने से अच्छा है आप किसी गारबेज वाले को दे सकते हैं टॉयज भी शूज टू ऑफरेगनेस ठीक है और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इन सब चीजों कि आप चैरिटी कर सकते हैं इनको चैरिटी में दे सकते हैं दान में दे सकते हैं यूज़ ओल्ड टिन्स बोटल एंड जार्स टू स्टोर थिंग्स और या फिर इन लोग इन सब का क्या जार बोटल्स इन सारी थिंग्स को आप छोटे छोटे कामों में भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो ये तो हमारा फॉर्म हो गया रीयूज़ का अब हम पढ़ेंगे रिड्यूस के बारे में ठीक है रिड्यूस मीन टू यूज लेस बाई थिंगस ओनली इफ़ यू नीड दैम चूज द थिंग्स दैट कैन बी यूज अगैन फॉर एग्जाम्पल यूज क्लॉथ नैपकिन हैंकर चीप हैंडकर चीप आपका होता है जिसको आप हैंकी बोलते हो ठीक okay, है इन प्लेस ऑफ टिश्यू पेपर एंड नैपकिन कैरी योर ओवन वाटर बोटल इन साइड बाइंग डिस्पोजल बोटल ओके स्टूडेंट्स अब इधर देखिए आप ध्यान से अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर रीसाइकिल रीसाइकिल मीन्स क्या है रिसाइकिल मीन्स व्हेन यू ट्राई टू तो रिसकिल थिंग्स इन वन वे ऑफ अदर सेल ओल्ड नोटबुक एंड न्यूज पेपर टू ए जंक डीलर यूज़ ओल्ड जार कैंस एस पैन पेंसिल होल्डर जो आप पुराने जार हैं ठीक है छोटे मोटे उनको आप पेन होल्डर्स बना सकते हो ठीक है कार्ड कॉम्स रखने वाले होल्डर्स बना सकते हो ऐसे हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं रिसाइकिल ठीक है एंड रिड्यूस एंड रीयूज करके अपने इन्वायरमेंट को क्लीन एंड सेफ रख सकते हैं ठीक है तो ये हमें सारे प्रोसेस फॉलो करने चाहिए से नो टू पॉलीबैग वॉट इज़ मीनिंग सेम नो टू पॉली बैग्स पॉली बैग्स का हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए किस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए कैरी योर ओवन जूट बैग क्लॉथ बैग फॉर शॉपिंग मार्केटिंग के लिए शॉपिंग के लिए जैसे मार्केट में हम वेजिटेबल्स लेने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें जूट का बैग ठीक है नॉर्मल शॉपिंग बैग ये सारे बैग्स यूज़ करने चाहिए इस तरीके से पेपर बैग्स यूज़ ज़्यादा नहीं करने चाहिए ठीक है पॉली बैग्स आर नॉन डिग्रेबल प्रो प्रोडक्ट्स ठीक है क्योंकि ये नॉन डिग्रेबल प्रोडक्ट्स हैं दैट मीन्स ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होते डिकम्पोज नहीं होते लेकिन इनको हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं तो ऐसी चीजें हमें यूज करनी चाहिए दे केसेस पॉल्यूशन वैन डिस्पोज इन वाटर बॉडीज और ऑन लैंड कैन यूज चौकिंग इन एनिमल्स इफ ईटन अलॉन्ग विद फूड टाइम दे ब्लॉक ड्रेंकस एंड वाटर बॉडीज़ विच हार एक्वेटिक लाइफ अब क्या है अगर आप पेपर बैग्स को यूज़ करते हैं इस तरीके से या जूट बैग आपने नॉर्मल शॉपिंग बैग्स इनको आपने थोड़े टाइम यूज़ किया और उसके बाद थ्रो आउट कर दिया तो उससे क्या होता है जो एनिमल्स होते हैं वो चॉकिंग वगैरह करते समय क्या करते हैं ये पेपर बैग्स वगैरह खा लेते हैं ठीक है और ये ज़्यादातर आप लोग फिर ये कचरा बाय वाटर के थ्रू फ्लोइंग होकर के कहाँ जाता है आपके रिवर में पॉन्ड्स में इस तरह से चला जाता है जहाँ से एकवेटिक लाइफ पर जो एक्टिक लाइफ होती है जिन जलीय जीवों की जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनकी लाइफ पर भी बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट एंड ट्री के बारे में ठीक है यहाँ पर प्लांट और ट्री डिफॉरेस्ट्रेशन डीफॉरेस्ट्रेशन का मीन्स होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर जंगलों का ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधों का कट जाना उसे कहते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन ठीक है deforestation. अब यहाँ प्लांट्स ट्री के बारे में पढ़ेंगे ट्रीज आर हेल्पफुल टू सेव अवर इन्वायरमेंट अगर हमारे इन्वायरमेंट में ट्रीज जो हैं वो नंबर ऑफ में ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन का लेवल क्या रहेगा अच्छा रहेगा हमारे एनवायरनमेंट में अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा यस अच्छा रहेगा और वही अगर हम जंगलों को इस तरीके से फॉरेस्ट को इस तरीके से कटिंग करेंगे तो क्या होगा सी ओ टू का लेवल ज़्यादा हो जाएगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा क्योंकि प्लांट्स सी ओ टू को टेक करते हैं है, है ना और क्या रिड्यूस करेंगे ये रिड्यूस करते हैं ओ टू गैस और ओ टू को कौन लेता है ओ टू गैस को हम लोग एनिमल्स ये सारे लोग यूज करते हैं है ना स्टूडेंट्स अब अग्निया पढ़ते हैं ट्री प्योरीफाई द एयर बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग ऑक्सीजन दे हेल्प इन मेकिंग रेन दे आर रूट्स होल्ड द सॉइल फायरमेली एंड द प्रिवेंट इट फॉर बींग वॉस्ड अवे इन रेन एंड फ्लूट्स ठीक है वी शुड नॉट कट ट्री एट ऑल इन केस वी हैव टू ट्री दैम फॉर एनी पर्पज देन वी शुड प्लांट मोर देन वॉट वी कट डू नॉट वेस्ट पेपर हमें पेपर को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए ये वाला प्रोसेस मैंने आपको भी समझाया था कि भाई प्लांट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं इसलिए प्लांट्स का होना इन्वायरमेंट में बहुत ज़रूरी है इन्वायरमेंट को सेफ रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है डू नॉट वेस्ट पेपर हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए अब क्यों नहीं करना चाहिए पेपर को वेस्ट पेपर को वेस्ट हमें क्यों नहीं करना चाहिए <coughs> इज़ मेड ऑफ़ ट्री क्योंकि ये ट्री से बने होते हैं सो वेस्टेज ऑफ पेपर मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज पेपर वेस्ट करने का मतलब आप पेड़ों को काट रहे हैं यूज़ बायोगैस एल पी जी फ्यूल इन विलेज और हमें विलेज में क्या गाँवों में ज़्यादातर अब तो एल पी जी गैस हो गई है ठीक है बायोगैस इनका यूज़ करना चाहिए पेड़ों की पेड़ों को काटते हैं लकड़ियाँ फिर लकड़ियों से फिर हम लोग ये ओवन वगैरह इनको जला के अपना खाना वगैरह पकाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें बंद करनी चाहिए और एलपीजी गैस बायो गैस बायोगैस का फ्यूल का यूज़ करना चाहिए ब्लेज इन प्लेस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू रिड्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज़ ठीक है इससे हमारे जो पेड़ हैं ट्रीज़ को कटिंग कम कटिंग होगी इसकी और इससे क्या होगा हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहेगा ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर ट्वेल्व आवर इन्वायरमेंट ये चैप्टर स्टूडेंट्स आपका फिनिश हो गया है और आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ समझ में न आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ठीक है कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है ठीक है और इसके बाद में जो इस चैप्टर से रिलेटेड इसका बुक वर्क है और क्वेश्चन आंसर्स हैं ठीक है ठीके? पूरा बुक वर्क आपको पी के थ्रू आपको सेंड कर दिया जाएगा ओके स्टूडेंट्स चैप्टर को अगेन रीड करें आप लोग और अच्छे से इसको समझें और पढ़ें ओके थैंक यू